नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ नेहा। और एक बार फिर से हम लेकर आ गए हैं आपके लिए शो इलेक्शन व्हील। यहाँ आपको दिखाई जाती हैं 11 प्रदेशों की बड़ी 11 खबरें जो होती हैं चुनावी खबरें। तो शो को शुरुआत करते हैं अपने और देखते हैं कि पहले प्रदेश की कौन सी खबर आपको दिखाई जाती है, जिसका निर्धारण करेंगे ये चुनावी चक्का, क्योंकि हमारे शो का सूत्रधार ही ये है इलेक्शन व्हील, जिसका नाम है चुनावी चक्का। घूमता है, एक प्रदेश इस तीर के सामने आके रुकता है और फिर वहां की चुनाव की खबर आपको दिखाई जाती है, क्योंकि इस समय लोकसभा इलेक्शन का माहौल चल रहा है। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 3 चरण के चुनाव होने बाकी हैं। देखते हैं कि जनता का रुख आखिर क्या कह रहा है। आप भी हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके कि राहुल गांधी को या फिर एक बार फिर से प्रधानमंत्री को आप देखना चाहते हैं अगला प्रधानमंत्री के रूप में। तब तक आप न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि तभी आपको मिलेंगी बड़ी से बड़ी चुनावी खबरें। हमारा व्हील रुक गया है आकर उत्तर प्रदेश पर, तो नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की इस बड़ी इलेक्शन व्हील खबर पर। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सपा बसपा गठबंधन ने वाराणसी लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बदल दिया है। सपा ने कांग्रेस से आई शालिनी यादव की जगह पूर्व बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। नामांकन के अंतिम दिन तेज बहादुर यादव ने सपा नेता की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। इससे पहले पूर्व बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव ने निर्दलीय नामांकन किया था, लेकिन हलफनामा पूरा नहीं होने के कारण तेज बहादुर का नामांकन निरस्त कर दिया गया था। हमें पार्टी ने सिंबल पे अभी नॉमिनेशन करवाया है। सुबह 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 भारी भरकम जुलूस के साथ शालिनी यादव आई थी यहीं पर नामांकन की। और आप अकेले आए भैया को लेके? मनोज जी ये देखिए सारे आप देखिए बीजेपी में मोदी जी कितने भीड़ भड़क्का लेके आए थे। एक और भी कैंडिडेट का उन्होंने करा के रखा, उनसे पूछो क्या कारण है। नहीं हमने तो खंडन नहीं किया पार्टी बाद के अंदर। देखो ये लोग बड़े, आप सब जानते हो ये लोग बड़े शातिर लोग हैं। हो सकता है हमारे किसी एक का नाम कैंसिल भी करा दे तो मुलाकात में ये क्या कर रहा। हाँ उनसे मुलाकात हुआ, उनके आशीर्वाद से तो आए हम। आपको बता दें कि ये वही तेज बहादुर यादव है जिन्होंने सेना में रहते खराब खाने का वीडियो बनाकर वायरल किया था। तेज बहादुर को लेकर सियासत भी जमकर हुई थी, जिसके बाद सेना ने तेज बहादुर पर कार्रवाई करते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया था। न्यूज डेस्क। तो उत्तर प्रदेश से देखिए अभी आपने इलेक्शन व्हील की ये खबर। आगे बढ़ते हैं, अपने शो को आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर से इस व्हील को घुमा देते हैं, क्योंकि व्हील घूमेगा नहीं और रुकेगा नहीं तो हमारा शो आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि यही व्हील बताता है कि अगली खबर आपको किस प्रदेश से दिखाई जानी है, क्योंकि यहाँ है सिर्फ 11 प्रदेश और है वहां की 11 बड़ी इलेक्शन की खबरें। तो यहाँ पर उत्तराखंड पर आकर तीर रुक गया है, तो नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की इलेक्शन व्हील खबर पर। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हरिद्वार के झबरेड़ा विधानसभा के बीजेपी विधायक देशराज कंडवाल मुसीबत में फंसते दिखाई दे रहे हैं। विधायक देशराज कंडवाल पर उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आदेश सैनी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आदेश सैनी ने कंडवाल पर आरोप लगाया है कि विधायक पिछले कई सालों से उनका मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि झबरेड़ा विधायक उनकी हत्या भी करवा सकते हैं। विधायक साहब ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया, दुनिया भर के उल्टे सीधे मुकदमे लगाए, जो 7-8 मुकदमे लगाए फर्जी और झूठे मुकदमे। कौन से विधायक? देशराज कंडवाल। और इसमें 302 में मर्डर में अभी मेरा नाम घसीटा गया विधायक के कहने पे। इसके बाद एक धरना प्रदर्शन किया था हमने जल भराव को लेकर, उसमें रोड जाम का मुकदमा इसने करा दिया कि रोड जाम कर दिया, चक्का जाम कर दिया। फिर इसके बाद इन्होंने अभी SC Act का मुकदमा दर्ज कराया मेरे खिलाफ होली वाले दिन। और ये विधायक जी ऐसे लोगों से मिले हुए हैं आज की डेट में जो क्रिमिनल लोग हैं, उनसे मुझे जानमाल का खतरा है, वही गवाह बनते हैं मेरे। SC Act में भी वही लोग गवाह बने। राजबहादुर जो जेल में सिपाही था वो सस्पेंड निलंबित चल रहा है, और उसके बड़े बड़े बदमाशों से कॉन्टैक्ट हैं,
मुझे इनसे जान माल का खतरा बना हुआ है, इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आदेश सैनी के इन आरोपों के बाद विधायक देशराज कर्णवाल के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। विधायक कर्णवाल वैसे ही कुंवर चैंपियन से हो रहे विवाद को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। रुड़की से प्रिंस शर्मा की रिपोर्ट। तो इलेक्शन व्हील में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब देखना होगा कि अगला प्रदेश कौन सा आता है। व्हील हम घुमा चुके हैं, इंतजार है सिर्फ इसके रुकने का। तब तक आप न्यूज को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं कि आप और हमसे क्या जानना चाहते हैं, क्या किसी खास चेहरे के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। फिलहाल हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर पंजाब पर आकर तीर रुक गया है। आपको दिखाते हैं कि पंजाब से बीजेपी में शामिल हुए सनी देओल ने अपना नामांकन भरा और क्या कुछ हुआ, आइए देखते हैं। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रदेश क्या होगा, कहाँ की खबर आपको दिखाई जाएगी, उसके लिए इस व्हील को घुमाना बहुत जरूरी है और हम घुमा भी चुके हैं। देखते हैं कि अब कहाँ पर आकर ये रुकता है और फिर वहां की इलेक्शन की खबर आपको दिखाई जाएगी। फिलहाल यहाँ पर जम्मू कश्मीर आ गया है तीर के सामने। आपको दिखाते हैं कि कल हुए वहां चुनावों में किस तरह वहां की महिला और पुरुषों ने एक अनोखा तरीका निकाला मतदान करने का। देखिए इलेक्शन व्हील की इस खबर में। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वोट डाले तो जान का खतरा, ना डाले तो भविष्य चौपट, और बीच में फंसा आम कश्मीरी वोटर। कश्मीरी मतदाताओं ने घर से मतदान तक का फासला तय करने के लिए एक जुगत निकाली। कई पुरुष पहचान छुपाने के लिए हेलमेट पहनकर व मफलर से मुंह ढक कर निकले, तो महिलाओं ने बुर्का पहनकर मतदान केंद्र पहुंचकर अपना वोट डाला। मतदान करने के इस जज्बे ने साबित कर दिया कि अब कश्मीरी आवाम जमहूरियत को मजबूत करने की ठान चुका है। न्यूज डेस्क। जम्मू कश्मीर से भी आपने देखी इलेक्शन व्हील की खबर। अब अगला प्रदेश देखते हैं कि कौन सा आता है, इलेक्शन उसका निर्धारण करेगा। घूम चुका है, अब देखते हैं कि तीर के सामने आकर आखिर कौन सा प्रदेश रुकता है। तब तक आप हमसे बता सकते हैं कि आप आखिर अगला प्रधानमंत्री किसे बनते देखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत अहम है ये जानना। फिलहाल आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश पर आकर चक्का रुक चुका है। तो पहले देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश की ये इलेक्शन व्हील खबर। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ऊना में जिला निर्वाचन विभाग द्वारा मानव श्रृंखला के माध्यम से भारत का मानचित्र बनाकर लोगों को मतदान के लिए एक अनूठे तरीके से प्रेरित किया गया। इस मानव श्रृंखला में 5,000 से अधिक लोगों द्वारा देश का मानचित्र बनाया गया। इस श्रृंखला में विभिन्न स्कूल्स के बच्चे व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम संचालक और जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार प्रजापति ने उपस्थित व्यक्तियों को मतदान की शपथ भी दिलाई। शपथ लेते हैं। ऊना से न्यूज के लिए अमित शर्मा की निर्वाचन की गरिमा।
तो एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं क्योंकि इलेक्शन व्हील में खबरों का सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक 11 प्रदेशों की पूरी खबरें आपको हम दिखा नहीं देते। ये चक्का यूं ही घूमता रहेगा और लगातार आपके लिए हम खबरें भी यूं ही लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इसके रुकने का इंतजार है हमें क्योंकि और ये रुक चुका है आकर बिहार पर। तो पहले देख लेते हैं बिहार की ये इलेक्शन व्हील खबर। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। पटना साहिब से कांग्रेस उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने अपना नामांकन दाखिल किया। शत्रुघ्न सिन्हा ने पटना सिटी का दौरा कर तख्त हरमंदिर में पहुंचकर मत्था टेका और अपनी जीत की दुआएं मांगी। आपको बता दें कि बिहार की पटना साहिब लोकसभा सीट से शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। वहीं उनका सामना भारतीय जनता पार्टी के रविशंकर प्रसाद से होगा। पटना से न्यूज के लिए रोहित की रिपोर्ट। तो बिहार के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रदेश आखिर कौन सा आता है। चक्का घूम चुका है जिसका नाम इलेक्शन व्हील है। शो का फॉर्मेट ही कुछ ऐसा है, इस व्हील को घुमाने के बाद ही डिसाइड किया जाता है कि अगला प्रदेश कौन सा होगा जहां की खबर आपको दिखाई जानी है। तो यहां पर झारखंड पर आकर चक्का रुक गया है, तो देख लेते हैं झारखंड से इलेक्शन व्हील की ये खबर। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बाबा बैद्यनाथ और बाबा झारखंडी के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम। धरती आबा बिरसा मुंडा जी को भी मेरा प्रणाम। वोट करना ये लोकतंत्र की जिम्मेवारी हमारी। मोदी जीतने वाला है ये पता हो तो भी ज्यादा वोट करना चाहिए। ये इनकी बातों में नहीं रहना चाहिए वरना आजकल वो सब जगह फेल ही बोल रहे। अरे मोदी तो जीत गया, वहां गर्मी में कहां जाते हो, घर बैठो ऐसा कर लाए। भाई बहनों ये बड़े चालाक और चतुर लोग हैं, झूठ बोलने में उन्होंने पीएचडी किया हुआ है। इसलिए हमें जीतना तो है लेकिन आन बान शान के साथ जीतना है। और जीतने तो वाले हैं लेकिन उस जीत में आपका भी तो कमल का फूल होना चाहिए। भगवान आशीर्वाद सबको देते हैं, ये लोकतंत्र भी आपको आशीर्वाद देने वाला है। लेकिन भगवान के आशीर्वाद के बावजूद भी हम जाकर के मंदिर में फूल चढ़ाते हैं। उसी प्रकार से ये लोकतंत्र के मंदिर में ये लोकतंत्र रूपी भगवान है, हमें वहां पर जाकर के बटन दबा करके ये लोकतंत्र रूपी भगवान का संविधान रूपी देवता का हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। साथियों तो एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली खबर आपको किस प्रदेश से दिखाई जानी है। सिर्फ बचे हैं 4 प्रदेश और अब देखना है कि अगला नंबर किस प्रदेश का है जहां की चुनावी खबर आपको दिखाई जानी है जो असर डाल रही होगी प्रदेश की हर एक जनता पर। फिलहाल यहां राजस्थान पर आकर रुक गया है चक्का, तो देख लेते हैं राजस्थान से इलेक्शन व्हील की एक खबर। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने 26 अप्रैल को गढ़ी के नवयुवक मंडल खेल मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी ताराचंद भगौरा के समर्थन में सभा की। सिद्धू ने 34 मिनट के भाषण में नरेंद्र मोदी पर जमकर जवाबी हमले बोले। उन्होंने राफेल, किसान, माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी सहित मोदी सरकारों के वादों पर घेरा। सिद्धू ने अपने कॉमेडी अंदाज में जहां
श्रोताओं को हंसाया तो वहीं केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास निकालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। न्यूज डेस्क। राजस्थान से अभी आपने देखी इलेक्शन व्हील की खबर, अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि शो यूं ही चलता रहेगा जब तक आपको सभी प्रदेशों की चुनावी खबर दिखा नहीं दी जाती है। तो तीन प्रदेशों में से अब किसका नंबर आएगा ये डिसाइड करेगा हमारा चक्का। तो देखते हैं कि तीर के सामने आखिर कौन सा प्रदेश आकर रुकता है। तो यहाँ पर धीरे धीरे आकर रुक गया है मध्य प्रदेश पर चक्का। तो नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की इस इलेक्शन व्हील खबर पर। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तुम्हारी सांसद की तुम्हारा बात कोई सुन ले जाएगी तेरे नौकर है। तो इलेक्शन व्हील में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही चलता रहेगा जब तक पूरे 11 प्रदेशों की आपको बड़ी खबरें दिखा नहीं दी जाती हैं। एक बार फिर से यहां चक्का घूम चुका है, देखते हैं कि अब अगला प्रदेश कौन सा आएगा जहां की खबर आपको दिखाई जानी है। तब तक आप न्यूज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और यहां पर छत्तीसगढ़ आ गया है तीर के सामने, तो देख लेते हैं छत्तीसगढ़ से ये इलेक्शन की खबर। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो छत्तीसगढ़ के बाद अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिरी प्रदेश हमारा बचा है वो आता है या नहीं। आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी वहां की इलेक्शन की खबर आपको दिखाई जाएगी क्योंकि 11 प्रदेशों की 11 खबरें आपको इलेक्शन व्हील शो में दिखाई जाती हैं। तो यहां पर हरियाणा आ चुका है, तो नजर डाल लेते हैं हरियाणा के इस इलेक्शन व्हील की खबर पर। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें, इसके लिए कुरुक्षेत्र के होटल और रेस्टोरेंट व्यापारियों ने एक अनोखी पहल शुरू की है। व्यापारियों ने तय किया है कि जो भी मतदाता 12 मई को होने वाले चुनाव में वोट करेगा उसे होटल या रेस्टोरेंट के बिल में 3 दिन तक 20% का डिस्काउंट मिलेगा। होटल मालिकों का कहना है कि उनकी इस पहल से नागरिकों में वोट देने के प्रति जागरूकता फैलेगी। लोकतंत्र के महापर्व चुनाव के अवसर पर होटल सभी होटल एसोसिएशन ने ये निर्णय लिया है कि कोई भी व्यक्ति जो मतदान वाले दिन हमारे होटल में आता है, रेस्टोरेंट में आएगा और अपनी उंगली पर शाही दिखाएगा तो हम उसको खाने में 20% का हम डिस्काउंट करेंगे। तो क्या वजह है, क्या इसके लिए कि जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें? हमारा जो उद्देश्य है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करें कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि मत देना
मत का अपना अधिकार का इस्तेमाल करना ये बहुत आवश्यक है और अच्छे लोकतंत्र की ये पहचान है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। गोपाल्स कड़ी चावल के नाम से हमारी शॉप है रेलवे रोड पर, ठीक है जी। तो हमने ये फैसला लिया है कि 12 मई को जो भी ये उंगली पर तिलक का निशान, जो मतदान का निशान दिखाए, उसे 20% का ऑफर दिया जाए। तो ये सारे कुरुक्षेत्र के जितने भी व्यापारी होटल हैं सभी ने ये फैसला लिया है, तो ये बहुत अच्छा फैसला है जिससे ये मतदान ज़्यादा होगा। सभी जितने भी होटल मालिक थे उनकी मीटिंग की है डीसी साहब ने, और जो वोट डालकर आएगा उसको 3 दिन तक 20% की उस पर छूट दी जाएगी। इसी प्रकार से हम प्रयास कर रहे हैं कि अन्य चीज़ों में भी, जैसे बैंक हर ATM पर भी ये हम नोटिस लगाएंगे कि 12 तारीख को अवश्य मतदान करिए। इसके साथ बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं ताकि मतदान का जो प्रतिशत है बहुत अधिक से अधिक। हम ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति मतदान करें, और आपके माध्यम से भी अनुरोध करना चाहूँगा सभी मतदाताओं से जिनका जो मतदान के उम्र पूरी कर चुके, उम्र के लिए एलिजिबल हैं 18 साल, जिन्होंने 1/1/19 को पूरी कर चुके हैं, तो उन सभी से जिनका वोट बन चुका है उन सभी मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि वो मतदान अवश्य करें। इस पहल की तारीफ चुनाव आयोग भी कर रहा है। कुरुक्षेत्र के जिला निर्वाचन अधिकारी SS फूलिया ने कहा, उनकी कोशिश है कि कुरुक्षेत्र में लोग वोट देने के लिए घरों से निकले, जिसके लिए तमाम जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। न्यूज डेस्क। तो इलेक्शन व्हील में आज आपने देखी 11 प्रदेशों की बड़ी 11 चुनावी खबरें, और इसी तरह रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं और आते यूं ही रहेंगे। फिलहाल इस चक्के को घुमा देते हैं, क्योंकि जब तक ये चक्का घूमता रहेगा खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। लेते हैं आपसे विदा, नमस्कार।